आज महासप्तमी है, कल महाषष्ठी की रात्रि को सभी दुर्गा मंदिरों के साथ साथ सभी पूजा पंडालों में भी दुर्गा पूजा को लेकर कलश स्थापना का काम पूरी विधि विधान के साथ पूरा कर लिया गया है। आज महासप्तमी से सभी स्थानों पर मेले का आयोजन भी शुरू हो गया है। इसी कारण आज कटिहार के प्रसिद्ध बड़ी दुर्गा स्थान मंदिर में भी विशाल और भव्य मेला शुरू हो गया है। आज महासप्तमी से दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ने लगी है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान मां के भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए बड़ी दुर्गा स्थान कमेटी ने जमकर तैयारी की है। मां की पूजा के लिए आने वाले सभी भक्तों को हर तरह की सुविधा प्रदान करने के लिए बड़ी दुर्गा स्थान कमेटी के सभी सदस्यों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं बड़ी दुर्गा स्थान और कीजिए मां की दर्शन और पूजा, उठाइए इस मेले का लुफ्त। बड़ी दुर्गा मंदिर में आज काल रात्रि की पूजा अर्चना है, तो चलिए अंदर और हमारे साथ जानिए माँ काली की पूजा अर्चना कैसे की जाती है, इसको लेकर पूजा अर्चना कैसी होगी, माँ को क्या भोग लगाया जाएगा और किस नियम से माँ का पूजा अर्चना करें, तो चलिए हमारे साथ। आज माँ के सातवें स्वरूप काल रात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। चलिए पंडित जी से जानते हैं कि माँ के इस स्वरूप की पूजा किस प्रकार की जाती है और कल कौन सा शुभ संयोग बन रहा है। पंडित जी, आज माँ के काल रात्रि स्वरूप की पूजा की जा रही है, माँ का ये स्वरूप कैसा है? भगवती की तो वैसे सप्तम स्वरूप की कालरात्रि नाम से प्रसिद्ध है, और जैसे कि आपने कहा कि स्वरूप, स्वरूप के बारे में होती क्या है कि भगवती के देखने में तो स्वरूप विकराल रूप लगता है, बिल्कुल काला मेघ अंधकार टाइप का, आँख धसा हुआ है, बाल बिखरा हुआ है, गधे पर बैठी हुई है और कांटेदार बिजली की तरह जो है माला पहनी हुई है, जिससे करोड़ों सूर्य की तरह रोशनी आभा जो कहते हैं छटकती रहती है, और एक नाम उनका शुभंकरी भी है जो अभय मुद्रा देती है, कारण कि किसी प्रकार का भय ना हो, रोग व्याधि कष्ट किसी भी प्रकार का पीड़ा तो दूर दूर की बात, आने वाले जन्म जन्मांतर तक भी उसका कल्याण हो, वही स्वरूप कालरात्रि का आज पूजा होती है। कल अष्टमी है, अष्टमी माँ की पूजा में क्या-क्या महा जी जी महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। महागौरी अर्थात भगवती आदिशक्ति माहेश्वरी जो कही जाती है, महादेव की अर्धांगिनी पार्वती जो है उन्हीं की विशेष रूप से महागौरी के रूप में, अर्थात इतने स्वरूप इतना गौरी है वो, इसीलिए तो गोरा नाम गौरी नाम पड़ी उनका जी, तो महागौरी अर्थात इनका वृषभ बैल पर बैठी हुई है और अभय मुद्रा में वरदान देने की मुद्रा में भगवती कृपा सभी भक्तों को हर एक मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए भगवती की विशेष रूप से अष्टमी के रोज भक्त महागौरी की किस प्रकार पूजा करें ताकि महागौरी उनसे प्रसन्न हो जाए। नित्य दिनचर्या नियम निष्ठापूर्वक जैसे नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात यथासंभव शक्ति के अनुसार जो पंचोपचार याथि वस्तु उपस्थित हो सके, जैसे कि फूल बेलपत्र प्रसाद यथासंभव शक्ति अनुसार एकत्रित कर और श्रद्धा भाव से गंध पुष्प के साथ भगवती की पूजन अर्चन और नाना प्रकार का जो शास्त्रों द्वारा जो विहित मंत्र है या फिर जितना जानकारी हो स्तुति विनती करना चाहिए, उसी से भगवती प्रसन्न होती है। कल अष्टमी है, महाअष्टमी यानी श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ेगा, कटिहार वासियों से क्या कहना चाहते हैं कि किस प्रकार शांति संयम रखते हुए माँ की आराधना करें? भगवती कृपा कटिहार वासी वैसे भी भगवती के प्रति आस्था और दिन प्रतिदिन कटिहार का उन्नति भगवती के कृपा से, सभी भक्त संयमित रूप से अपना विधि व्यवस्था जो नियमित घर का क्रिया कर्म कार्य संपन्न कर और पूजा के निमित्त पंक्तिबद्ध होकर कतारबद्ध होकर दूसरे को सहयोग करते हुए और एक दूसरे को जो है ध्यान रखते हुए भगवती की पूजा करें, दर्शन करें, मेला का जो है सो घूमने का आनंद लें और यथासंभव अपने अपने घर को आनंद से घर जाएं। आप क्या कहना चाहेंगे कटिहार वासियों के लिए, क्या कि कल महाअष्टमी है, भीड़ को देखते हुए उन्हें क्या सलाह देंगे?
कटिहार वासियों के लिए मेरी सलाह यही होगी कि पूर्व की भांति जिस तरह हमारा शहर ऐसे भी शांत शहर की गिनती में आता है और हमेशा हमारे शहर में शांति और सौहार्द के साथ ही सब पर्व को मनाया जाता है, उसी तरह हम उम्मीद करेंगे अपने कटिहार वासियों से कि शांति और सौहार्द के साथ इस पर्व को मनाएं और जो दुर्गा स्थान के द्वारा बनाए गए नियम कायदे हैं जो कि भक्तों के लिए ही बनाए गए हैं उनको मानते हुए और जो यहाँ हमारे स्काउट के बच्चे जो निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं आपकी सेवा के लिए उनका ध्यान रखते हुए उनकी बातों को मानते हुए शांतिपूर्ण ढंग से पूजा पाठ करें और मेला का आनंद। कटिहार वासियों से क्या अपील करेंगे क्योंकि कटिहार में कल महाअष्टमी है और दुर्गा स्थान में एक बड़ा जनसैलाब उमड़ता है, लंबी लंबी लाइनें लगती है। कटिहार वासियों को यही सलाह है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। रोड पर चोर उचक्का असामाजिक तत्व बहुत ज़्यादा संख्या में बाहर निकला हुआ है, उससे अपने रक्षा करें, अपने बच्चों की रक्षा करें, अपने सामान की रक्षा करें और बड़ी संख्या में मंदिर आइए। मंदिर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, माता का दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। पंडित जी कल महाअष्टमी है, इसको लेकर श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहेंगे? कल महाअष्टमी है, माँ दुर्गा की नवशक्तियों में महागौरी अष्टमी की पूजा के पौराणिक कथा के आधार पर कहा जाता है कि अष्ट वर्षात भवेत गौरी। महागौरी की अवस्था केवल 8 वर्ष की मानी गई है और ऐसी महागौरी की पूजा करने से सब तरह की मनोकामनाएं की नवशक्तियों में पूरी होती ही है और विशेष करके इन महागौरी की पूजा करने से जो कुमारी लड़कियां होती है उनकी शादी अच्छे घरों में होती है। अगर श्रद्धापूर्वक वास्तव में महागौरी की पूजा उनके द्वारा की जाए तो पूजा करने की विधि तो वही है जो हर रोज है, लेकिन केवल वो नवशक्तियों का जो अलग अलग रूप है उन अलग अलग रूपों में जो हर एक रूप की कार्य करने के अलग अलग कार्य करने के बारे में जो व्यवस्था की गई है अलग अलग की गई है उसमें महागौरी की यही है कि अगर तन मन धन से हर तरह से संपुष्ट होकर के जो कहा जाता है शास्त्रानुकूल उसके अनुसार आप पूजा करते हैं तो लड़के की शादी जल्दी होगी और अच्छे घरों में होगी, लड़कियों की शादी अच्छे घरों में होगी और जल्दी होगी, ये विशेषता है। कटिहार वासियों को क्या शुभकामना देंगे दुर्गा पूजा के अवसर पर? आज दुर्गा पूजा के अवसर पर मैं कटिहार वासियों को कहना चाहता हूँ कि शांत रहें, सुरक्षित रहें, सुखी रहें, आनंद रहें। हर व्यक्ति आज के दुनिया में दो चीज खोजना चाहते हैं, सुखी और शांति, और इसी के लिए हर तरह का काम लोग करते हैं। घर बना रहे हैं तो सुखी के लिए, शांति के लिए, पैसा कमा रहे हैं तो सुख के लिए और शांति के लिए, और अगर ये मिल जाए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है और इसी उपलब्धि के लिए संयमतापूर्वक सुरक्षित पूर्वक निवास करें, रहे, मानवता अपने अंदर लाएं और सुरक्षित रहें, आनंद रहेंगे, शांति रहेंगे, यही मेरी शुभकामना है। बिल्कुल सही कहा पंडित जी आपने, तो सुरक्षित रहे, सावधान रहे और त्यौहार को अच्छे से मनाएं, उपद्रवियों से बचें और अगर कल आप आ रहे हैं माँ के दर्शन करने तो कतारबद्ध आकर दर्शन करें ताकि किसी को परेशानी ना हो। माँ की पूजा करके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये तो हम लोगों का आस्था का बहुत बड़ा पर्व है दुर्गा पूजा जो आता है और इसमें सभी भक्तजन यहाँ आज बड़ी दुर्गा स्थान में हम लोग आए हैं माता का दर्शन करने के लिए। कल षष्ठी पूजा होने के बाद जो आज माता का मुख खुलता है तो इसी वजह से आज हम लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। मन में हर्षोल्लास के साथ यहाँ हम लोग आए हुए हैं आज। आज सात पूजा है, कौन सी माँ की पूजा की जाए? आज है काल रात्रि स्वरूप की पूजा हो रही है माता की और आप जो यहाँ आए हैं आपको बहुत धन्यवाद हम देते हैं, केबीसी को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग जो है मीडिया जो है पूरा जो है चारों तरफ सभी लोग से जो है स्टेटमेंट ले रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। इससे क्या होता है कि सोशल मीडिया से ही जो है हमारा सिस्टम सारा जो है चर्चाउन रहता है। अब आप ये पूछिए कि हम जैसे मेला में है, मेला का क्या सिस्टम है, कब से मेला जो प्रारंभ हो रहा है,
मेला में क्या क्या सब आया है, इस सब चीज़ के बारे में हमसे पूछिए तो आपको अच्छा रहेगा। पूजा के सामग्री प्रभाकर झा जी है, उनसे ज्यादा बेटर आप समझ सकते हैं। बोलिए आगे। अब इस कल अष्टमी है, जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो श्रद्धालु आएंगे माता भक्त से यही हम संदेश देना चाहते हैं कि आप आइए अपने बाल बच्चे समेत, पूरे यहाँ पर जो है पूरा प्रशासन और हमारे कमेटी के तरफ से पूरा विधि व्यवस्था किया हुआ है और चप्पा चप्पा में जो है CCTV कैमरा लगा हुआ है और यहाँ किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। और हमारा जो है यहाँ पर जो है 2-3 जो है खोया पाया हुआ जो लगा हुआ है जय माता दी है, तो स्काउट गाइड के तरफ से है और हमारे कमेटी के तरफ से 3-3 जो है विधि व्यवस्था यहाँ रखा हुआ है। और उसके बाद दुर्गा स्थान कंवरिया सेवा समिति के तरफ से मोड़ पे वहाँ पे जो है बजरंग बली स्थान के पास है, वहाँ भी दुर्गा स्थान चौक पे वहाँ भी विधि व्यवस्था किया हुआ है। तो वहाँ से लेके मंदिर कंपाउंड तक सारा चाक चौवन विधि व्यवस्था है और CCTV कैमरा के अंदर में सारे लोगों का विधि व्यवस्था देखा जाएगा। कल तो मेले का उद्घाटन हो चुका है, तो क्या आज से मेले का शुरुआत हो जाएगा? कल से ही शुरुआत हो गया है, लेकिन आज से जो है पूर्ण रूप से शुरुआत हो जाएगी मेले का। चलिए हम जानते हैं किसी और से कि आज कौन सी माता की पूजा अर्चना की जाएगी। आज माता के सातवें स्वरूप कालरात्रि की पूजा हो रही है जी। इस स्वरूप में माता का स्वरूप जो है वो बिल्कुल रात के अंधेरे की तरह काला है, इसीलिए इन्हें कालरात्रि के रूप कहा जाता है। इनकी पूजा से जो जैसा नाम में ही जुड़ा हुआ है काल, तो काल से मुक्ति मिलती है, संकटों से मुक्ति मिलती है, विघ्नों से मुक्ति मिलती है माता कालरात्रि की साधना करने से। और मेले का तो आज से शुरुआत हो चुकी है, लोग मेला देखने आएंगे, उसके लिए क्या आप नियम बनाए हैं, क्या लोगों की सुरक्षा बंदी के लिए क्या क्या आपके पास नियम है आप बताएं सर? यहाँ पे मेले के लिए जैसा पूर्व में भी रहा है और इस बार कुछ ज़्यादा अपग्रेडेड सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किया गया है। पूरे मेले में हाईली डिजिटल क्वालिटी का CCTV लगाया गया है। इसके अलावा मेला कमेटी के जितने सदस्य हैं वो सारे भक्तों के लिए खड़े रहते हैं और खड़े रहेंगे। इनके अलावा स्काउट गाइड और प्रशासन की तरफ से हमें पूर्ण सुविधा दी जाती है, प्रशासनिक व्यवस्था में पूर्ण सुविधा दी जाती है। कल से मेले का उद्घाटन हो गया है, मेले की सुरक्षा को लेकर क्या आप व्यवस्था की? मेले की सुरक्षा के लिए चारों तरफ मंदिर कमेटी के द्वारा, सार्वजनिक दुर्गा मंदिर की ओर से उसके सदस्यों के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर 28 कैमरा लगाया गया है जो चप्पे चप्पे पर लगा हुआ है, और प्रशासन के द्वारा भी कैमरा लगाया गया है चप्पे चप्पे पर नज़र है। पुलिस कैंप की तैनाती है बगल में, खोया पाया की सूचना के लिए सारी चीज व्यवस्था है और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी इसका कमेटी के द्वारा हम लोग आश्वासन दे रहे हैं। और व्यवस्था के नाम पर हमारे वॉलंटियर रहेंगे, नागरिक सुरक्षा के लोग रहेंगे, हमारे वॉलंटियर अपने जो हम लोग नियुक्त करते हैं वो सारे वहाँ सिविल ड्रेस में वहाँ रहेंगे, पुलिस के लोग भी सादे लिबास में रहेंगे। व्यवस्था एकदम कड़ी है, किसी तरह की अप्रिय घटना घट नहीं घटेगी। आम लोगों से अनुरोध है कि मेले का लुत्फ़ उठावें और आनंद करें। इस नवरात्रि में कटिहार वासियों को क्या संदेश देना? कटिहार वासियों को दे रहे हैं कि जहाँ भी मेले में आप जाएं, आप माता का दर्शन करें, मेले का आनंद लें, किसी के साथ अप्रिय घटना ना करें। और मेला उत्साह के लिए साल में एक बार आता है, कटिहार में दुर्गा पूजा बहुत ही अच्छा, बिहार में अगर कोई अच्छा दुर्गा पूजा होता है उसमें कटिहार जिले का भी नाम है, और सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में जिले के तमाम लोग कभी ना कभी कटिहार के सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में आते हैं। सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, वो आएँ और मेले का लुत्फ़ उठाएँ और माता का दर्शन करें। व्यंजनों की अनोखी दुनिया में स्वाद का ऐसा सफर जो कभी ना भूल पाएंगे आप, मामा'स फूड कॉर्नर। जैसा हमारा नाम है वैसा हमारा काम भी। चटपटी चाट, स्वादिष्ट व्यंजन, चाइनीज फूड, अमेरिकन मिल्कशेक और बेहतरीन सजावट का लाजवाब मिश्रण, मन होगा खुश और आंखें भी। यहाँ फैमिली भी है और पार्टी भी। ग्रैंड ओपनिंग, मामा'स फूड कोर्ट आपका स्वागत करता है।